मैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 50 वर्ष से मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अब नए बच्चे जो भी आ रहे हैं या जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी तैयारी पूरे मन से करें और उसके लिए थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें और पूरा मन लगा कर पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त पढ़ाई को देना पड़े। वो अपने शरीर का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, साथ में भरपूर नींद भी लें। एक इस उम्र के बच्चों को कम से कम 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी होती है, तो वो नींद भी दें और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें। और जो भी पढ़ाई करें उसको रिवीजन करते रहें, जिससे कि उनको वो सब अच्छी तरह से याद हो जाए और मन और तन सब तंदुरुस्त रखें, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि एन एग्ज़ाम के वक्त में उनको कोई बीमारी हो जाए या उनको कुछ वो किसी भी तरह से बीमार हो जाए, तो वो फिर उसमें पढ़ाई में भी विघ्न आ जाएगा और एग्ज़ाम देने में भी विघ्न आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे अपनी पूरी तैयारी करें, जैसा कि उनके टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, बुक्स उनको बताती हैं, तो उस तरह वो अपनी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से करें। आफ्टर MBBS तो वैसे तो आजकल नए वो चालू हो गया है कि बिफोर अपने MBBS ख़त्म होने से पहले ही बच्चे आगे की प्री PG की तैयारी चालू कर देते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका दिमाग इस बात के लिए सेट हो कि आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पहले से सोचते हैं किस ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है उस ब्रांच के लिए ही वो तैयारी करें और उसी के हिसाब से वो PG का एग्ज़ाम दें, ताकि उसी सब्जेक्ट में उनको PG की सीट मिल जाए और मनचाहा सब्जेक्ट मिलने पर वो अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे।